हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 5th ऑफ सितंबर को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है, इसके इंपॉर्टेंट लेवल कैसे रह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मारुति सुजुकी इंडिया को आप देखेंगे, आज बहुत से शेयर गैप डाउन ओपन हुए थे, ये भी गैप डाउन ओपन हुआ था, लेकिन जो हमारा यहाँ पे 12,250 का लेवल एक ब्रेकडाउन लेवल था, यहीं से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की ओर जाने की तैयारी दिखा रहा है। ठीक है, ऊपर की ओर हमारे पास रेजिस्टेंस है 12,500, तो ये 250 पॉइंट का यहाँ पे एक स्पेस है जिसके बीच में अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो कल के दिन क्या हो सकता है उसके लिए हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलेंगे। एंड अगर आज का प्राइस एक्शन पैटर्न आप देखेंगे, ठीक है, तो ओपनिंग के बाद तुरंत नीचे आया, नीचे वाले लेवल से इसने एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना के ऊपर की ओर निकलने लगा। यहाँ पे अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या दिख रहा होगा आपको, लगभग लगभग 12,400। क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर से नीचे आ रहा था, ठीक है, जब ये ऊपर से नीचे आ रहा था तो ये वाला जो लेवल था, ठीक है, 12,375 वाला ये जो लेवल था, ये पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, ऊपर के एक सपोर्ट बन गया था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया था, लेकिन अभी ब्रेक हो गया, तो इसीलिए आज यहाँ पे जाके क्लोजिंग दिया है। कल थोड़ा सा भी गैप डाउन ओपन होता है तो इस लेवल को ब्रेक करने में थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम हो सकती है, यहीं से थोड़ी सेलिंग आए और इस जोन में यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन पैटर्न बनाए, और जब ये इस ट्रेंड लाइन को हिट करे तो उसके बाद हो सकता है थोड़ा सा ये 12,450 तक एक मोमेंटम दे। अगर ये इसी लेवल के आसपास ओपन होता है, ठीक है, थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, तो यहाँ से जैसे ही रेजिस्टेंस मिलेगा 12,425 ये, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्योंकि चूंकि स्ट्रेच हो चुका होगा तो यहाँ से ये नीचे आ जाएगा, और नीचे आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर से ये निकलेगा एंड फिर से हमारे ऊपर वाले लेवल्स को हिट करेगा। ठीक है, तो तुरंत तो गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा सा यहाँ पे देख के करना पड़ेगा, गैप डाउन ओपनिंग के बाद वो यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो थोड़ा सा हमारे लिए अच्छा रहेगा। नीचे की क्या बात करेंगे, अभी नीचे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है और आज डब्ल्यू टाइप पैटर्न यहाँ पे बनाया है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्राइस एक्शन पैटर्न फिर से थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आ रहा है और लग रहा है फिर से इस वाले जोन का नीचे का लेवल टच किया, अब ऊपर वाले जोन के पास ये जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न दिख सकता है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, पसंद आएगी लाइक कर सकते हैं, चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।